अब मैं आपको क्या करूंगा, दो संख्या और आपके टाइप बताऊंगा अभी इसके बाद में, इसको इसको आप नोट डाउन कीजिए, इसके बाद में आपको आगे लेके चलते हैं, ठीक है। देखिए आपकी जो बुक के अंदर जो संख्या है वो कौन सी है, परिमेय और परिमेय संख्या है। इसको बोलते हैं आपका रेशनल नंबर्स। अब आपके जो बुक के अंदर है वो है मेन कंसेप्ट किसका है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होगा। तो सबसे पहले परिमेय संख्या को बात कर लेते हैं, तो इसमें क्या होता है, जिन्हें मतलब वे संख्या है जिन्हें p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिन्हें p अपॉन q की अवस्था में लिखा जा सकता है, ठीक है, जहां q की जो वैल्यू है कभी भी आपको जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद में आप इसको समझ गए होंगे। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपने क्या किया, मेरे पास में एक नंबर है, जैसे मैंने कहा 5 है मेरे पास है। अब आप 5 नंबर को देखेंगे तो ये एक्चुअल में इसके जो डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है वो कितना होता है, 1। दैट मीन्स हियर दिस वन इज पी एंड दिस वन इज क्यू। इट मीन्स 5 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका नंबर है 5 वो कौन सा आपका परिमेय संख्या है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक और मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, जैसे मैंने कहा रूट टू है। अब आप कहेंगे सर रूट टू के नीचे भी तो मैं 1 लगा सकता हूँ। चलो हम इस तरीके से नहीं करेंगे इसको, इसमें क्या करेंगे, रूट टू की हम वैल्यू निकालेंगे। तो 1.414 इस तरीके से आपका आगे को नंबर आता है, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, यहाँ पे आपके डिजिट जो जाती है वो आपका रिपीटेड डिजिट हो जाते हैं, यहाँ पे क्या हो जाती है, रिपीट होना शुरू हो जाता है ये नंबर। अब जब आपका नंबर ऊपर वाला रिपीट होगा तो वो क्या बन जाएगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। दैट मीन्स नीचे का आपका नंबर है यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ये फिक्स नहीं है। जब ये आपका नंबर फिक्स नहीं है तो आप इसको कैसे कह सकते हो कि क्यू की वैल्यू ये आ रही है, जब आप क्यू की वैल्यू नहीं बता सकते इसका मतलब इसको आप ये अपन क्यू में नहीं लिख सकते हैं। दैट मीन्स ये नंबर आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्याओं में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो डियर स्टूडेंट अब आपका नेक्स्ट चलते हैं आपका अपरिमेय संख्या है, मींस इरेशनल नंबर्स, ठीक है, जिन्हें पी अपॉन क्यू की अवस्था में ना लिखा जा सके, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, वेयर जहां क्यू इज नेवर इक्वल टू जीरो। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने अभी आपको जैसे बताया था अंडर रूट टू की जब बात कर रहे थे तो ये आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। इसी तरीके से आपका अंडर रूट थ्री है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। जैसे आपकी और बात कर लेते हैं, जैसे आपका पाई है, पाई भी आपका क्या आ जाएगा, आपका अपरिमेय संख्या। इसको हम आपका थोड़ा सा डाउट, इसको हम आप पाई और आपका 22/7 इस कंसेप्ट को हम आपका बाद में क्लियर करेंगे एक्चुअल में, इसके ऊपर ही बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है, कि आपका परिमेय है या फिर अपरिमेय है। चलो इसको आगे बढ़ाएंगे आपका तब इसको बताएंगे। और देखिए ये जो नंबर हमने बताया कि आपके अपरिमेय है, इसको भी आपका बुक के अंदर एक्चुअल में आपका एक टॉपिक है जो मैंने आपको बताया था ना, 5 टॉपिक है, तो उसमें से ये एक टॉपिक है कि हम कैसे पता लगाएंगे कौन नंबर अपरिमेय है और कौन आपका परिमेय है, ठीक है। तो अब मैं ये समझता हूँ कि आपको जो मैंने बेसिक कंसेप्ट बताए हैं इसके आधार पर अगर आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो मैं ये मान के चलता हूँ आपको इस चैप्टर के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए ठीक है आगे आपका कंटिन्यू करते हैं। ओके तो अब हम आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करा चुके हैं, अब इसके बाद में आपका जो स्टार्ट होगा वो होगा आपका टॉपिक इन द सिलेबस। तो इसमें क्या करेंगे, आपका सबसे पहला जो टॉपिक मैंने आपको बताया था वो कौन सा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ठीक है।
ये आपका कंसेप्ट हम इसमें कंप्लीट कराएंगे। चलिए ठीक, ये आपका बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को ऐसा नहीं है कि आप लोग जानते नहीं, इसको आप छोटी क्लासेस से करते हुए आ रहे होंगे। अब मैं आपको जस्ट उसका ओवरव्यू देता हूँ। देखिए, जैसे आपने क्या किया होगा छोटी क्लासेस में, जैसे मेरे पास में एक नंबर है, मैंने मान लिया मेरे पास में 428 नंबर है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इस 420 नंबर को मेरे पास में मैं इसको करता हूँ डिवाइड 15 से, ठीक। अब आप जब इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो आप क्या करेंगे, 15 29, इसका मतलब यहाँ पे आपका 12 बचेगा और आपका ये आ जाएगा। इसके बाद में आपका 15 8 120, और इसका मतलब यहाँ पे आपका क्या बचेगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे चार चीज़ें प्राप्त होंगी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अब इन चारों के अलग अलग नाम भी आपको शायद पता होंगे, तो मैं आपको अगर ना पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो नंबर है इसको क्या बोलते हैं आपका, इसको बोलेंगे आपका डिविडेंड, ठीक है, या फिर भाज्य। इसको क्या बोलते हैं आपका, डिविजर मींस भाजक। इसको क्या बोलते हैं आपका, कोशाइंट या फिर भागफल। और सबसे नीचे जो आता है वो क्या होता है आपका, शेषफल मतलब रिमाइंडर, ठीक। चलिए अब आप ध्यान से समझना इस बात को कि एक्चुअल में क्या है। अगर मैं इन चारों चीजों को एक फॉर्म में लिखता हूं तो यहां पे आपको एक फॉर्मूला बन के आता है, जिसको क्या बोलते हैं आपका, भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक। मींस डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाइड बाय कोशाइंट प्लस रिमाइंडर। चलो इसको एक बार आप चेक कर लेते हैं, ऊपर वाले जो क्वेश्चन आपने किया है ना, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, आपको एक फॉर्मूले की तरह आप यूज करेंगे इसको, ठीक है। इसका आपका आगे भी कंसेप्ट में यूज होगा। चलिए देखिए, इस चीज को हम एक बार इस पे फॉर्मूले पे अप्लाई करके देखते हैं। तो भाज्य की वैल्यू कितनी आपकी, 420 आ रही है। इधर आपका डिवीजर कितना आपका 15 है, कोसाइन कितना आया आपका 28 आया है, प्लस आपका 0। इधर वाले को आपका सॉल्व करेंगे, प्लस 0 है ये, 15 8 120, 15 2 30, 30 और 12 का 42, 42 का 42, इसका मतलब इधर क्या बनेगा आपका 420, और इधर कितना था आपका 420, इसका मतलब क्या है, ये वाला जो कंसेप्ट है यहाँ पे आप अप्लाई कर पा रहे हैं क्लियरली, ठीक है। चलिए इसको अब आप क्या करेंगे, एक और दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं। अब आप क्या करेंगे, इसमें मैं थोड़ा सा आपको चेंज करूंगा, ठीक है। मैं देखिए यहाँ पे इस और मैं इसको 420 ना करके मैं इसको कर रहा हूँ 425, ठीक। तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 12 बचा था, इसके बाद में आपका ये 5 आ जाएगा यहाँ पे नीचे, ठीक है। 5 से नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, 5, ठीक। अब देखिए इसी चीज को दोबारा से अप्लाई कीजिए, तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर वैल्यू कितनी लगा देंगे, 5, ठीक। और यहाँ पे आपका कितना है, 5, और अगेन ये वाला आपका कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। अब मैं यहाँ से आपको एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा, आप ध्यान से देखिएगा, ये क्या आपका भाजक, ये क्या आपका शेषफल, ये शेष भाजक कितना आपका 15, शेषफल कितना।